हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये जो क्लिप है वो 5 दिसंबर का है, यानी कि दिन जो है वो रविवार है। तो मॉर्निंग का सारा काम मैंने सारा काम किया। अभी सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया है और पोछा तो लगा ही रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं मॉप से पोछा लगा लूँ, क्योंकि मैं डेली मॉप से नहीं लगाती हूँ। कभी मैं ऐसे ही बैठ के लगा लेती हूँ और कभी मॉप से लगा लेती हूँ। जैसा मेरा मूड करता है वैसा मैं लगा लेती हूँ। अब फेस पे मैंने फेस पैक लगाया हुआ है दही बेसन। तो अभी देखिए, मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर चुकी हूँ। सारे घर में जो है पोछा लग चुका है, बस गेट का एरिया बाकी है। और ये क्लिप ना अच्छा भी जो है वो शूट कर रही है। तो देखिए किस तरीके से शूट कर रही है। यहाँ पर बैठी हुई थी आगे वाले रूम में, तो मैंने उसे मोबाइल पकड़ा दिया कि ठीक छवि, तुम बैठी हो, अच्छी जगह बैठी हो, तो बाहर का मेरा थोड़ा सा शूट कर दो। तो वही छवि अभी शूट कर रही है। और बस मेरा पोछा जो है वो लग चुका है पूरे घर में। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं सो के उठती हूँ तो पहला काम मेरा होता है घर की क्लीनिंग, झाड़ू है, पोछा वगैरह ये सब करना। क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगा देती हूँ ना, तो पूरा घर जो है वो क्लीन क्लीन दिखता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद ही मैं कोई और काम करती हूँ, जैसे चाय बनाना हुआ या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए टिफिन तैयार करना हुआ। तो अभी देखिए, आप लोग से बातें करते करते घर की क्लीनिंग हो गई है। और अभी मैं मशीन लगा देती हूँ कपड़े वाश करने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी मैं मशीन लगाऊंगी उतना जल्दी वो कपड़े वाश होंगे। और उन्हें मैं छत पे सुखाने के लिए रख दूंगी, सूख जाएंगे। तो इन्हें आयरन भी करना है, क्योंकि बच्चे कल स्कूल चले जाएंगे। और मैं संडे को ही सारा काम निपटा लेती हूँ, बच्चों का ड्रेस, सॉक्स, शूज, सारा पॉलिश करना, ये सारा काम मैं उस दिन ही निपटा लेती हूँ। क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे समय मिला नहीं मिला, इसी वजह से मैं संडे को ही सारा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी आपने देखा ना, मैंने अपनी मॉर्निंग का सारा जो रूटीन वर्क होता है मैंने कर लिया है। जैसा कि झाड़ू पोछा हो गया है, मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं वाश करने के लिए। तो अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और रुपेश देखिए दूध और शैम्पू वगैरह लेके आ गया है रुपेश। तो ये देखिए दूध भी आ गया चाय के लिए, और शैम्पू भी आ गया, कंडीशनर भी आ गया। तो उसको प्लास्टिक में ही रखो। आज मैं सोच रही हूँ कि निमोना बना दूँ, क्योंकि अभी तक मटर जो है ऐसे अभी तक हम लोग सफल मटर ही खा रहे थे। तो आज सोच रही हूँ निमोना बना दूँ, कि नए नए मटर से निमोना। ये देखिए छिलने के बाद इतना हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जो मटर आया, तो सोच रही हूँ कि चूरा मटर नहीं, चूरा मटर तो मैं अभी बनाई थी बच्चों के लिए, लेकिन वो सफल मटर का था। और आज निमोना बनाऊँगी। तो चलिए अभी जाती हूँ नहा के, मैं जल्दी से आ जाती हूँ। फिर अभी पूजा वगैरह भी करना है और समय हो गया है 7:30 से ऊपर हो रहा है, तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ। क्या होगा? हाँ ठीक है, अभी लगा के तुमको दे देंगे। तो रुपेश बोल रहा है कि मोमो की चटनी और ब्रेड मुझे दे दीजिएगा नाश्ते में। नहीं नहीं, तो बोल चाय और ब्रेड। अच्छा चाय ब्रेड, अच्छा ठीक है, चाय बन गया है। पहले चल तुम लोग नहा लो, फिर उसके बाद से वो करना आओ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, मेरा नहाना और पूजा ये सारे काम मैंने कर लिए हैं। फिर मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ। अब पहले मैंने मटर को सोचा कि पहले मटर ही भून लेती हूँ, क्योंकि मटर भून जाएगा तो मैं सारा जो है मसाला तैयार कर लूँगी। और आज मैं निमोना बनाने जा रही हूँ। तो सोच रही थी कि आप लोग के साथ फुल रेसिपी शेयर करूँगी। मूड भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि सैटरडे को मेरा जो एक वीडियो था संडे का वो वायरल हुआ था, तो मैं काफ़ी खुश थी। बट क्या बताऊँ, मतलब मूड बाद में इतना ख़राब हो गया कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्रेकफास्ट संडे का, आलू पत्ता गोभी और पालक के साग की, मतलब ये पकौड़ी थी। तो आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत टेस्टी बना था ये, आप देख के ही जान सकते हो कितना क्रिस्पी था ये। तो मैं तो सोच रही थी कि फुल रेसिपी निमोना की शेयर करूँगी, क्योंकि जो मैं ये निमोना बनाती हूँ ये बहुत ही टेस्टी बनता है। पर मूड इतना ज़्यादा ऑफ था ना, कि मैं क्या काम कब कर दे रही थी, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि मैंने कब मसाले डाले, कब मैंने मटर डाला, कब मैं आलू डाली हूँ। और मैं क्लिप भी प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि माइंड में बहुत सारा
मतलब बहुत सारा टेंशन हो गया था, क्योंकि मेरे व्यूज़ तो बढ़ रहे थे, व्यूज़ अचानक मतलब व्यूज़ होने के बाद वॉच टाइम नहीं मिला, और 8 दिन के अंदर अगले सैटरडे को मेरा वीडियो वायरल हुआ, और 8 दिन के अंदर इस सैटरडे को मेरा व्यूज़ भी कम हो गया, मेरे जो लाइक्स थे वो भी कम हो गए, सब्सक्राइबर कम हो गए, सब कुछ मेरा फिर पहले जैसे जैसा था वैसा ही मुझे यूट्यूब ने दे दिया। मुझे लगता ही नहीं कि मेरा चैनल मतलब मेरे चैनल पे व्यूज़ भी आया था, सब्सक्राइबर भी आए थे, बिल्कुल जहाँ जीरो था जीरो फिर हो गया है। मूड काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैं इतने दिन से कोई भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही थी। फिर सोचा कि चलो ठीक है, एक बार गिरी हूँ फिर संभलूंगी, यही सोच के मैंने जितना भी क्लिप अपना रिकॉर्ड किया था रूटीन का वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या बोलूं यूट्यूब पे, मुझे कुछ भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बट फिर भी चलिए, आज नहीं कल फिर सक्सेस होंगी, कोई बात नहीं है, ऐसा तो चलता रहता है, गिरना संभलना सब होता रहता है। अगर मुझे एक बैग सफलता मिल जाती तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, मैं इसकी कीमत नहीं समझ पाती, और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है तो शायद मैं इसकी कीमत बहुत अच्छी तरीके से समझूंगी, क्योंकि एक बार मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो अचानक से कम हो गए। और चलिए कोई नहीं, फिर से लगी हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और आज का लंच हमारा यही था, सिंपल लंच था, निमोना, मटर का निमोना, चावल, सादा चावल था, रोटी थी बस, रोटी मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ कि घड़ी में 1:30 बज रहे हैं और मैं 6 बजे से उठी हूँ, अभी को खाली हुई हूँ, तो थोड़ी देर छत पे बैठ जाऊंगी, उसके बाद फिर नीचे आऊंगी तो थोड़ा रेस्ट करूंगी, और बाकी जितना काम है वो सब बाद में करूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और फुल है, ये देखिए पूरे कपड़े से पूरा छत मेरा जो है वो फुल हो गया, इतना सारा कपड़ा मैंने धुला है आज, कुछ मशीन से कुछ हाथ से, तो आप देख सकते हो। और हाँ बोलो, पूछ लीजिए दो। अच्छा एक मिनट फ्रेंड्स, आप लोग से रुक के बातें करती हूँ, रुपेश का कुछ पूछ लूँ। दो उम्मीद गिरे ना, नहीं गिरेगा नहीं। तो हमारा लंच हो जाने के बाद मैं छत पे आ गई थी मूड फ्रेश करने के लिए, तो यहाँ रुपेश का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो कुछ लर्न कर रहा था, तो बोल रहा था कि मम्मी आप सुन लीजिए, तो वही मैं उसे थोड़ा सा उसका सुन भी रही हूँ। छवि यहाँ पे खेल रही थी और वो ऐसे राउंड राउंड हो करके मुझे सुना रहा था, फिर थोड़ी देर बाद मैं नीचे चली गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप सभी को जरा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अभी जो शाम का नाश्ता है, बच्चों को भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कि अभी क्या बनाऊँ, और संडे का दिन था तो सोच रही थी कि चलो बच्चों को आज ऑमलेट ही दे देती हूँ, क्योंकि रुपेश बोल रहा था कि मम्मी ऑमलेट आप बना दीजिए हम वही खाएंगे। तो रुपेश ही लेके आया था अंडा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बगल में ही मिलता है, तो लेके आ गया था। तो बच्चों के लिए नाश्ता मैं ऑमलेट बना देती हूँ, फिर डिनर देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और इसमें मैंने नमक और ये कुछ मसाले हैं, तो अशोक का जो मसाला आता है बाहर वाला वो है, कश्मीरी लाल मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, बस यही सब मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और ऑमलेट बना के बच्चों को नाश्ता करा दूँगी, फिर देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊँगी। तो आज का बस इतना ही क्लिप था, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी। तो अगर आप सभी को फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, आप लाइक नहीं करते हो, व्यूज़ आता है बट लाइक नहीं आता है। जैसे सबके ब्लॉग होते हैं वैसे मेरे भी ब्लॉग होते हैं, वो भी रूटीन दिखाते हैं, मैं भी रूटीन दिखाती हूँ, बट उनके पे व्यूज़ लाइक काफ़ी आता है, मेरे पे कुछ भी नहीं आता है। और यहाँ देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि उनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, शायद 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा बच्चों का। और मैं अभी सारे कपड़े अलमारी में लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक है, बाय बाय फ्रेंड्स।